डभोई तालुका के वढ़वाना सिंचाई तालाब जाने का रोड काफी बिस्मार बनते हुए यहां के गांव लोग और वाहन चालकों को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ रही है। डभोई तालुका के वढ़वाना गांव को जोड़ता वैसा रोड भारी बारिश के चलते बिस्मार बनते हुए एक बार फिर कहे जाते वैसे नगर पालिका की अच्छी रोड कामगिरी की पोल खुली है। डभोई तालुका का सुप्रसिद्ध पक्षी धाम के तौर पर वढ़वाना सिंचाई तालाब काफी मशहूर बना है। यहां पर का 1.5 किलोमीटर का रोड काफी बिस्मार हो चुका है, तो वहीं ताज्जुब की बात ये भी है कि यहाँ पर ही ये रोड से अधिकारी गुजरते हैं, बावजूद ये रोड की कोई भी मरम्मत कामगिरी नहीं करवाने के कारण स्थानिक लोग और राहदारी काफी हैरान परेशान हो चुके हैं। आने वाले ठंड के मौसम में लाखों की तादाद में यहाँ पर पक्षियों का आगमन होता है और यहाँ पर सैलानी भी इसे निहारने के लिए आते हैं। ऐसे में अब बारिश के चलते ये रोड बिस्मार बनते हुए जल्द से जल्द इसकी मरम्मत कामगिरी करवाई जाए, वैसी लोक मांग उठी है। हमें जो जगह उबा से वडवाना फाटक थी वडवाना इरिगेशन तड़ाव जेके जे आज इको सरोवर પછી રામસર સરોવર આ બધા નામ આપ્યા છે, અને ત્યાંથી જવા માટેનો જ રસ્તો એટલો બધો ખરાબ છે કે વર્ષોથી કહે છે કે એવું કહેવાય છે કે આ મંજૂર થયો છે, મંજૂર થયેલો છે તો આ લોકોને બનાવવામાં શું તકલીફ છે? અત્યારે 2 ફૂટ ઊંડા ખાડા છે, નાને કોઈ ગાડી વાળો આવે તો જઈ જ ના શકે, આ લોકોને નહીં બનાવવા પાછળનો શું હેતુ છે? એમ કેટલા સમયથી આવો થઈ ગયો? આ તો લગભગ 4 વર્ષથી આવો છે. તમારી શું માંગ છે? રામજનોની એટલી જ માંગ કે આ લોકો વેળાસર રસ્તો બનાવે, પાછળ શિયાળો આવે છે, પક્ષી લોકો જોવા આવશે, લોકોને હેરાન થાય, અમે ખેડૂત લોકોને પણ જવા આવવાની એટલી તકલીફ છે, ના લોકોને કોઈ એવી છે જ નહીં, અહીં તો કોઈ જોવાય નથી આવતા. આ લગભગ 1.5 કિલોમીટર જેવો હશે રેલવે ફાટક થી વઢવાના તળાવ. કેટલા એ 1.5 મીટર એટલે 1.50 સાઈડ જેવું થાય.